नमस्कार, BCN न्यूज की खास मुलाकात में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। कहते हैं अगर किसी व्यक्ति में हुनर हो तो वो छुपाए नहीं छुपता, और ऐसी ही प्रतिभा की धनी, हुनर की धनी नैश नुसरत अली, जो फॉर्मर क्रिकेटर रह चुकी है, आज वो हमारे साथ है, जिनसे बहुत सारी बातों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। पर उसके पहले मैं चाहती हूँ वो खुद ही खुद का इंट्रोडक्शन दे। हेलो, नमस्ते एवरीवन, मैं नैश अली, नेशनल प्लेयर हूँ, क्रिकेटर हूँ, और अभी खुद का बिजनेस मैनेज करती हूँ, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और उसी के साथ अब मैं पॉलिटिक्स का भी एक हिस्सा बन चुकी हूँ। बहुत सारी बातें आपने बताई कि आप क्रिकेटर है, बिजनेस वुमन है, पॉलिटिक्स का हिस्सा बन रही है, तो हम सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे क्रिकेट के, आपके करियर के बारे में जानना चाहती हूँ। मैम, क्रिकेट का जो मेरा करियर है, इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट करियर, बिकॉज मुझे शुरू से ही मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट था, क्योंकि मेरे डैड भी एक नेशनल फुटबॉलर थे, तो उन्हें लगता था कि मतलब मुझ में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। तो उन्होंने मुझे पूछा एक दिन, आपको क्या करना है? तो मैंने कहा, पापा, आई वुड लव टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। उस टाइम यहाँ पे वुमेंस क्रिकेट का नामो निशान नहीं था, बट फिर हमने बहुत स्ट्रगल किया। डैड तो मेरे इंदौर चले गए, क्योंकि वो सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में थे, तो उनका वहाँ पे ट्रांसफ़र था, वहीं थे। फिर मैंने यहाँ काफ़ी पता किया, तो तब जाके मेरी मुलाकात बाबा रॉक सर से हुई। देन आई कम टू नो कि वुमेंस क्रिकेट भी है यहाँ पर। फिर वी स्टार्ट प्लेइंग, तो फिर उन्होंने मुझे देखा कि आप मतलब क्या बेटर कर सकते हो। तो मेरा ज़्यादा फोकस मीडियम पेस बॉलिंग में था, तो वहाँ से फिर मैंने अपना सिटी लेवल, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल, ऐसे मैंने अपना करियर स्टार्ट करते करते, फिर सब जूनियर्स, फिर जूनियर्स, फिर जूनियर नेशनल, देन सीनियर, सीनियर नेशनल्स, ऐसे करते आई हैव बीन टू वेस्ट जोन टीम। ओके, नैश जी, आपके बारे में मैंने जब पढ़ा तो ये पता चला कि कहीं ना कहीं आपकी स्टोरी दंगल की स्टोरी से रिलेट करती है, तो उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से ये स्टोरी थी, कि क्या है आपकी पूरी जर्नी। एक्चुअली देखा जाए तो मेरा रियल इंटरेस्ट क्रिकेट में, मतलब स्पोर्ट्स में था, लेकिन क्रिकेट में किस तरीके से खुद को डालना है इस चीज़ के लिए, मतलब पहले मुझे इतना समझ नहीं आता था। मुझे लगता था थोड़ा सा रनिंग कर लिया, एक्टिविटीज़ कर ली, फेयर इनफ। बट मेरे डैड जब कह रहे थे कि अगर आपको प्रोफेशनली खेलना है तो आपको मतलब उसको सही तरीके से आपको अपने आप को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। फिर इसका सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो मेरे डैड और मॉम को जाता है। हर सुबह 4-4:30 बजे मुझे उठा के, मुझे रेडी करके, एंड मुझे बोलते थे, कम ऑन, यू हैव टू रश टूवर्ड्स योर ग्राउंड, आपको ग्राउंड पहुंचना है, ये करना है। कभी चोट लग जाती थी, स्वेलिंग बहुत होती थी, सारी उंगलियों पे मतलब डायना प्लस लगा हुआ होता था, बट उन्होंने कहा कि नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, हमें और मोर हार्ड हमें बनना है, तब जाके हम जिंदगी में कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। मुझे याद है, आई वॉज इन, आई थिंक मैं 10th या 11th में होंगी, मई का महीना था, काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। मेरे डैड ने मुझे कहा कि आपको यहाँ के 7 राउंड कंप्लीट करने हैं, तो मैंने कहा ठीक है। बट जब मैं वापस आके 7 राउंड बड़े मुश्किल से कंप्लीट करने के बाद, तो मैंने कहा मुझे पानी दे दीजिए, तो मेरे डैड ने मुझे मतलब पानी नहीं दिया, उन्होंने सारा पानी ग्राउंड पर डाल दिया। तो उस टाइम मुझे बहुत गुस्सा आया कि मतलब ये मेरे फादर हैं और ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैंने गुस्से में जाके और रनिंग स्टार्ट की। तो आई थिंक उस टाइम फिर मैंने और 4 राउंड्स कंप्लीट किए, तो जो मेरा 7 राउंड का स्टेमिना था वो डेवलप हो गया 11 राउंड्स में। दैट्स ग्रेट। फिर उसके बाद देन आई कम टू नो, देन आई रियलाइज कि मेरे डैड मुझे क्या चाहते थे। तो ये चीज़ तब मुझे निकल के कि नहीं, मुझ में अगर मैं एक बार जो चीज़ ठान लूँ तो वो मैं कर सकती हूँ। बहुत बार कभी ऐसा भी आपके साथ हुआ होगा कि जब सोसाइटी ने अपोज किया कि भाई लड़की है, गिर पड़ जाएगी, हड्डी वड्डी टूट जाएगी, क्या करोगे, तब ऐसी कोई सिचुएशन, और तब आपके पापा ने दंगल का डायलॉग बोल दिया होगा कि मारी छोरी भी छोरों से कम है, क्या ऐसा कुछ कभी हुआ है? हाँ, ये हुआ है। मेरे डैड हमेशा एक बात ये बोलते थे कि मेरी बेटी 10 लड़कों पर भी भारी है, क्योंकि काफ़ी बार मुझे चोट लग जाती थी, मैं पहले बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन होता था मेरा, वो कम होने लगा, लेकिन ना मैंने इसकी परवाह की ना मेरे पापा ने इसकी परवाह की। उन्होंने भी वही कहा, मतलब
हड्डी टूट गई है तो जुड़वा लेंगे। बस यही चीजें थी। नैश, आपका नाम काफी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि कैसे ये नाम पड़ा नैश। एक्चुअली मुझे क्रिकेटर्स तो मतलब मुझे अली के नाम से ही जानते थे, बट मेरा जो बॉलिंग एक्शन था वो समहाउ न्यूजीलैंड के डियोन नैश की तरह था। ओके। तो वहीं से मुझे एक किताब मिला, फिर उसके बाद में ये नाम मेरे डॉक्यूमेंट्स पे भी रजिस्टर्ड हुआ, तो अभी लोग उसी नाम से ही जानते हैं, नैश के नाम से ही ज़्यादा जानते हैं, जबकि पूरा नाम नैश नुसरत अली है। काफी अच्छा भी लगता है वो सुनने में नैश। हाँ, काफी यंगस्टर्स काफी लाइक करते हैं। हाँ। उस नाम को, और कुछ शायद डिफरेंट लगता है, ज्यादा कॉमन नहीं है। और शायद आपके बारे में सुनने के बाद मुझे ये भी पता चला है कि आप काफी अनकॉमन चीजें करना पसंद करती है। Right. और आपसे ये बात, आपने ये भी बताया कि आप सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो कैसे एक क्रिकेटर होने के बाद यू थॉट ऑफ कि यार सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहती हूँ मैं। एक्चुअली सोशल एक्टिविटीज जो ये है, दैट्स माय नेचर, इट्स रियल। मैं काफ़ी छोटी थी, मतलब मैं, मुझे लगता है मैं 8th या 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, पर मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पे डबल एज के लोग आते थे मुझसे, तो मेरे डैड परेशान थे इतने बड़े बड़े लोगों से, इसकी क्या दोस्ती रहती। तो मैं वहाँ उस एज में मैं प्लानिंग करती थी कि सोसाइटी को हमें क्या सर्व करना चाहिए, व्हाट आई कैन सर्व बेटर सर्विस फॉर माय नेशन। तो वो चीज़ें मेरे में पहले से थी, ब्लड डोनेशन में जाना, आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करना। हमारे घर के पास, मुझे याद है जब हम लोग हंसापुरी में रहते थे, तो वहाँ पे गणेश मंडल लगता था देवी का, तो मैं वहाँ पे हमेशा बोलती थी कि हमें यहाँ पे कुछ बुक्स हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए, या हमें ब्लड डोनेशन कैंप लेनी चाहिए। तो ये जो मेरा नेचर, ये पहले से, आज के पहले भी या अभी भी, रात को अगर 3 बजे भी मुझे किसी का फ़ोन आ जाता है कि यहाँ पर ये इमरजेंसी हुई है, तो मैंने कभी घड़ी का समय देख करके मैंने उसकी मदद करने का विचार नहीं किया। जो भी संभव होता है उस टाइम पर, अगर मुझे बाहर निकलना पड़ता मैं निकल जाती। नैश, क्रिकेटर आप थी पहले, उसके बाद पॉलिटिक्स आपने ज्वाइन करने की सोची, क्रिकेटर से पॉलिटिक्स कैसे? एक्चुअली देखिए मैम, चीज़ें इस तरीके से हुई कि मैं एक सोसाइटी को एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छी पॉलिसीज देना चाह रही थी। देश में कहा बदलाव आएगा, बदलाव के रूप में नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन 2014 की जो घोषणा हुई, एक मैनिफेस्टो जो था, उसमें ये कहा गया कि 15 लाख खाते में आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां आएंगी, पर वो चीज़ें मुझे दिख रही थी वो फुलफिल नहीं हो गई, बट लोग उसको नहीं समझ पा रहे थे, तो वो झूठ पे झूठ बढ़ता चला गया। 2 लाख नौकरियां आप दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि पुराने जो आपके मतलब पेंडिंग्स थे, आप उन्हीं को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, तो आप नए कहाँ से देते। और भारत जैसे देश की जो इकोनॉमी है, अगर पूरे देश के लोगों को, अगर हम लोग जो, अगर इकोनॉमिकली जो एक डेटा निकाला गया था, उनको अगर 15 लाख रुपए अगर आप देने भी वाले थे, ये देश अगर आप पूरा मतलब हर चीज़ अगर आप निकाल भी देते, तब भी आप वो फुलफिल नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे देश का पॉपुलेशन उस हिसाब से बढ़ता है। नैश, ये पूछना चाहोगी कि कहीं ना कहीं आपने इन सारी जॉब रिक्वायरमेंट्स, मतलब जॉब के बारे में वगैरह बोला, तो अगर आप चुनाव में जीत के आती है तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, और किस पार्टी के जरिए आप ये स्ट्रेटेजी अपनी कंप्लीट करेगी? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि आई एम फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब मेरा जो विचारधारा है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी से ही है, जिसको मैं अपना आइडियल मानती हूँ। श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, तो ये एक मेरे आइडियल है। और मैं आपको क्लियर बता रही हूँ मैम कि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ, लेकिन मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ इसलिए, और देश के हर युवाओं को आना चाहिए, मैं नरेंद्र मोदी जी की बातों से मैं थक चुकी थी। हर दिन एक नया झूठ आता था कैमरे पे, कभी कोई चीज़ फुलफिल नहीं होती थी। बीजेपी के आने के बाद इतने हिंदू मुस्लिम्स, लव जिहाद, मॉब लिंचिंग इतना बढ़ गया, थ्रेटनिंग, मतलब आप एक देश के मतलब सबसे बड़े एक पद पर हैं, आपने उस पद की गरिमा की धज्जियाँ उड़ा दी। और मैं आपके चैनल के मतलब माध्यम से ये कहती हूँ कि मैं पॉलिटिक्स में
बीजेपी पार्टी से त्रस्त होकर के मैं आई हूँ। पर आपने कहा कि आप मतलब पॉलिटिक्स में आना चाहती थी और कहीं ना कहीं कांग्रेस को आप अपना आइडल मानती, तो बीजेपी को हेट करते हैं इसलिए कांग्रेस में आना चाहती थी या खुद इंस्टिंक्ट था पॉलिटिकल इसमें ज्वाइन करने का? नहीं, मुझे पॉलिटिक्स में आना ही था, लेकिन जब मैंने देखा कि देश का युवा इतना लैग कर रहा है, मतलब जो डिजर्विंग है, आज एक पीएचडी स्टूडेंट एक पीएचडी करता है, जो अपनी थीसिस पूरी कंप्लीट करता है, इतनी मेहनत से वो वहाँ तक पहुँचता है, आज वो एक नौकरी के लिए तरसत हो रहा है, तो ये जो इतने वायदे किए गए थे ये क्यों नहीं? इसका मेरा पॉलिटिकल करियर जो स्टार्ट हुआ या मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ अगर, तो उसका अगर सारा का सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो मेरे बड़े भाई श्री नाना भाई पटोले जी को जाता है। क्योंकि जब पूरी मोदी लहर चल रही थी, केवल एक व्यक्ति था जिसने अपनी आवाज़ किसानों के हक में आगे तक पहुंचाई, तो वो नाम जो है नाना भाई पटोले जी, तो वो एक ऐसा नाम है मेरे करियर में, मतलब मेरे लिए जो एक इंस्पिरेशन है, जो जिनको मैं अपना आइडियल, अपना गुरु, अपना बड़ा भाई मानती हूँ, तो मैं उनके लिए ये एक लाइन बोलना चाहूँगी कि समंदर की लहरों के साथ तो कोई भी तैर लेता है, लेकिन समंदर की लहरों को चीर के जो आगे निकलता है उसे श्री नाना भाई पटोले कहते हैं, और मुझे प्राउड है कि मैं उनकी छोटी बहन हूँ। आपने आपके पॉलिटिकल करियर की बात कही, तो अगले कुछ सालों में आप खुद को कहाँ देखना चाहती है पॉलिटिकल प्रोस्पेक्टिव के हम देखें तो? देखिए, हर एक कार्यकर्ता का अपना एक टारगेट होता है, एक कार्यकर्ता अक्सर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, मैं भी करूँगी। मुझे मेरे आदरणीय मेरे प्रदेश अध्यक्ष श्री नाना भाई पटोले जी जो आदेश देंगे मैं उसका पूरी तरीके से पालन करूँगी। आपने कुछ तो सोचा होगा कि 2024 में जो चुनाव होगी तो आप वहाँ पे कौन सी भूमिका अदा करना चाहती है, इसके बारे में तो आपने सोचा होगा? हाँ, मैं सबसे पहले पार्टी की मजबूती चाहती हूँ, संगठन में लोगों को जोड़ना चाहती हूँ, ग्रास रूट पे लोगों की क्या प्रॉब्लम है दिशा जी, कि मतलब आज लोग किस चीज़ों में जूझ रहे हैं। आज हम बड़े बड़े मॉल बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति उसको देख सकता है, उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो ये जो गरीब और अमीर की जो ये दूरी है इसको हम किस तरीके से हम फुलफिल करेंगे? क्योंकि जब तक हमें एक रोज़गार नहीं मिलेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है इस राज्य में, इस शहर में, इस देश में, वो है रोज़गार का। आपने रोजगार की बात कही, राज्य में, शहर में, देश में, तो किस तरीके से अगर आप आती है तो किस तरीके से युवाओं को रोजगार देना आपका काम होगा, किस तरीके से? जी मैम, बहुत अच्छा सवाल है, मैं काफ़ी अप्रिशिएट करती हूँ आपके सवाल को। देखिए, सबसे पहले किसी भी चीज़ की हमें एक रणनीति बनानी पड़ती है। हमें ये नहीं है कि मैंने किसी के चैनल से, किसी के माध्यम से मैंने एक डेटाबेस, एक रिकॉर्ड ला लिया और ला के रख दिया, नहीं, ग्रास रूट पे उतरेंगे, लोगों तक मिलेंगे, महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, और जो युवा हैं, जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो ग्रेजुएट हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो अंडर ग्रेजुएट हैं, क्योंकि भूख सबको लगती है। ये नहीं है कि पोस्ट ग्रेजुएट है तो वो ज़्यादा खाना खाएगा या अंडर ग्रेजुएट है तो उसे कम खाना मिलना चाहिए, ऐसा नहीं। वो व्यक्ति अपने आप में एक विशेष होता है, तो उसका वो जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम उसको एक मतलब सही तरीके से, उसको सही जगह पर उसको हम नौकरी दिला पाए, उसके जो व्यापार है वहाँ तक हम पहुँचा पाए। अभी मुझे ये कहना है कि एक क्रिमिनल भी जो होता है, एक मान लीजिए कोई क्रिमिनल हम कह रहे हैं कि भाई उसने ये क्राइम किया है, लेकिन क्या जब वो इस धरती पे जन्म लिया था तो क्या वो क्रिमिनल पैदा हुआ था? नहीं। या कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि उसका बच्चा बड़ा होकर के कोई गलत काम करे, लेकिन हालात ऐसे बना देते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। 2019 के चुनाव में नितिन गडकरी जी ने ये कहा था, मेरी व्यक्तिगत उनसे कोई दुश्मनी तो नहीं है, उन्होंने ये कहा था कि हम जो ये सीमेंट रोड बना रहे हैं इसकी गारंटी मैं देता हूँ कम से कम 12 से 15 साल ये चलेगा, चलिए हम 10 साल ही पकड़ लेते हैं, ठीक है। जब हम डामरीकरण के जो हमारे रोड बनते थे इसमें हमारे बेनिफिट्स कितने थे मैं आपको बताती हूँ। अगर आप 70 से 80 के स्पीड में अगर आपका एक्सीडेंट होता है और अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है, अगर आप डामर रोड पर अगर आप गिरते हैं तो कम से कम आपके पास 25 से 30 मिनट से सर्वाइव चांसेस होते हैं, सीमेंट रोड में ख़त्म हो गया।
बिल्कुल मैं अपोज करती हूँ। दूसरा, हमारे यहाँ पे टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है, सीमेंट रोड बनने की वजह से टेम्परेचर में 2% की बढ़ोतरी हुई है। पर कई लोग ये सीमेंट रोड को सपोर्ट कर रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। मैं, मेरे जो पॉइंट्स हैं आप मुझे बताइएगा कि आपके क्या पॉइंट्स हैं। दूसरी चीज ये होगी। तीसरा, जो रोजगार का जो मुद्दा है, डामर रोड के लिए जो मजदूर काम करता था वो 10-12 साल के लिए बेरोजगार हो गया। डामरीकरण पे आपके बेनिफिट्स देखिए, एक तो उसको रोजगार मिल रहा था, खर्चा उतना नहीं हो रहा था, उसका घर परिवार चल रहा था। आज उससे आप उसका रोजगार छोड़ोगे तो वो क्या करेगा? भूख उसे भी लगती है, उसे शौक नहीं है, वो आपके गले से चेन खींचेगा। कहीं ना कहीं हमारे यहाँ ये चीज़ें लैग कर रही है। और वैसे भी सीमेंट रोड वहाँ बनाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जैसे कोंकण के कुछ इलाके होते हैं उस तरीके से। और हमारे यहाँ जो लेवल जो बना है सीमेंट रोड का, उसकी वजह से सीमेंट रोड की हाइट इतनी बढ़ चुकी है कि जो निचले इलाके हैं वहाँ आप देखिए, आज से 8-10 साल पहले आपने कभी सुना था कि नागपुर में पानी भर रहा है अलग जगहों पर? आज बस्तियाँ डूब रही। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। डामर रोड पानी को एब्जॉर्ब करता था, जो आपको कहीं ना कहीं आपको ज़मीन आपको 1-2 टेम्परेचर में आपको राहत देता था। बट सीमेंट रोड, मैं नहीं कह रही, टेक्नोलॉजी कह रही है, टेक्निक कह रही है कि वो पानी एब्जॉर्ब ही नहीं करता। तो आप मुझे बताइए बेनिफिट्स का। जब आपने ये कहा तो फिर भी बहुत लोग ऐसे हैं कि ये कह रहे हैं कि ये जो सीमेंट रोड बनाए गए हैं वो हमारी प्रगति के लिए है। ये सारी चीज़ की प्रगति, ट्रांसपोर्टेशन ऐसा अच्छा होता है, ऐसा उनका कहना है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होता है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप लोग एक टास्क करिए, आप जितने टैक्सी वाले हैं, ये जो मिडिल क्लास वाले जो 4-व्हीलर चला रहे हैं, आप उनको पूछिए उनके टायर कितने जल्दी ख़राब हो रहे हैं। और आप जब गाड़ी में, आप कितनी भी बड़ी गाड़ी में बैठे, आपको वाइब्रेशन अंदर है। डामर रोड पर वो नहीं था। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपने जो एक्सप्रेस हाईवे आप करिए ना उसको, लेकिन सिटी में उसकी ज़रूरत नहीं थी। सिटी में इस चीज़ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। सिटी में आपको ज़रूरत ये थी आप मेहान अच्छी तरीके से चालू करते, नागपुर के, विदर्भ के आसपास के सारे लोगों को, 1.5-2 लाख लोगों को आप यहाँ पर नौकरी देते, आज नागपुर की इकोनॉमी ऑटोमेटिकली डेवलप होती। लेकिन आपने उस विभाग में काम नहीं किया। तो अगर आप आती है अगले चुनाव में, अगर पार्टी टिकट देती है और अगर आप चुन के आती है, तो क्या आपका पूरा फोकस रोजगार पे रहेगा? सबसे पहले मेरा पहला टारगेट रहेगा रोजगार। और मेरा रोजगार में भी सबसे पहले एक क्राइटेरिया मैंने डिसाइड किया, मुझे वुमेन्स पावर लाना। वुमेन्स पावर को मैं आगे करना चाहती हूँ। आज की जो स्थिति है, चाहे लेडी पोस्ट ग्रेजुएट क्यों ना हो, आज उसके 2 बच्चे, आज वो कहीं ना कहीं वो अपने घर में ही डोमिनेट हो रही है। आज मैं चाहती हूँ कि घर बैठे मैं महिलाओं को रोजगार दूँ, चाहे MSME के थ्रू या किसी भी जो प्राइवेट इंडस्ट्रियल्स हैं, हम उनके साथ टाई अप करें और हम उनको रोजगार दें। मतलब जब तक एक घर की लेडी में जब तक एक पावर नहीं आएगा, तो वो मतलब आगे जनरेशन में वो चीज़ को डेवलप नहीं कर पाएंगी। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है ना, उसके असली मतलब जो मेंटोर होते हैं, जो हीरो होते हैं, जो आइडियल होते हैं, उनके माँ बाप ही होते हैं। महिलाओं के रोजगार के बारे में आपने कही, तो कहीं ना कहीं जरूरी है रोजगार के पहले महिलाओं को एक प्रॉपर एजुकेशन मिलना। बिल्कुल। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि अगर आप आती है चुनके, तो किस तरीके से महिलाओं के एजुकेशन पे आप फोकस करेगी? देखिए मैम, सबसे पहले हम खुद ग्रास रूट पे जाके काम करेंगे। जितनी महिलाएं जो अंडर ग्रेजुएट हैं, जो किसी भी कारण से वो नहीं कर पाए, उनको ग्रेजुएट करने की कोशिश करेंगे, या जिनकी स्थिति आज है ही नहीं, जो आज 40-45 क्रॉस कर चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी नीड्स हैं कि उनके घर में अच्छा राशन आए, कि कम से कम 2 पैसे की वो सेविंग कर सके, तो हम उनके लिए भी योजनाएं लेके आएंगे। बहुत इलाकों में ये देखा गया है कि महिलाओं को इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि उनकी मेंटालिटी, मतलब जो फैमिली होती है वैसी होती है। तो ठीक है, कुछ इश्यूज़ को आप सॉल्व कर लेगी, फाइनेंशियल इश्यूज़ वगैरह, पर अगर मेंटालिटी चेंज करनी रही लोगों की, तो किस तरीके से आप उस पर वर्क करेगी? क्योंकि मेंटालिटी चेंज करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क फॉर श्योर। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि मेंटालिटी किसी की चेंज करना इट्स वेरी टेरा टास्क। तो देखिए उसमें क्या होता है, हमें महिलाओं के लिए कुछ कैंप्स लगाने पड़ेंगे, हमें प्रोजेक्टर्स लगा के उनको समझाना पड़ेगा। क्योंकि आज महिलाएं जिस लेवल पे पहुंच चुकी हैं, मुझे नहीं लगता आज वो पुरुष से किसी भी उसमें पीछे।
चाहे आप UPSC देख लीजिए, या आप मतलब जो भी IAS का जो प्रिपरेशन होता है वो देख लीजिए, या आज हमारे DCPs देख लीजिए, नागपुर में ही देख लीजिए आप, काफ़ी सारे लोग हैं या बाहर में है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी अगर आप उसको बिना डोमिनेट किए, अगर एक सम्मान के साथ अगर आप उसको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आओगे ना, तो कहीं ना कहीं उसमें भी एक आशा है, एक आशा का दीप जलता है। सिर्फ उसको किस तरीके से हमें रोशन करके आगे तक ले जाना है ये उस पर डिपेंड करेगा। बहुत सारी बातें आपसे आज हुई यहाँ पे। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि आप एक अच्छी क्रिकेटर है, आप बिजनेस वुमेन है, पॉलिटिकल लीडर है आप, तो इन सारी चीज़ों में बहुत ऐसे भी लोग, बहुत ऐसी महिलाएं हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो आपसे इंस्पायर करते हैं, तो BCM के माध्यम से आप उन्हीं सारी लोगों को, उन सारी महिलाओं को क्या कहना चाहती है? मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी मुझे देख रहे हैं इस वक्त, जो भी महिलाएं देख रही हैं, युवा देख रहे हैं, सबसे पहले अपने आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर नहीं है तो उसे पैदा करें, उसे जनरेट करें। ये जो जनरेट करने का जो पावर है केवल आपके अंदर होगा, इसको मैं नहीं ला सकती हूँ। आप मुझे देख सकते हैं लेकिन मैं नहीं ला सकती, ये आपको अपने अंदर की आवाज़ आपको खुद बाहर निकालनी पड़ेगी। और अपनी आवाज़ को कभी भी दबाने की कोशिश मत कीजिएगा। मैंने लाइफ में एक चीज़ की है, मैंने कभी गिव अप नहीं किया। मुझे याद है मेरा एक मैच में मैंने 3 चौके खाए थे, पहले 3 बॉल पे, और उसकी चौथी बॉल पे मैंने छक्का खाया था। फिर भी मेरी 5वीं बॉल में मुझ पर इतना भरोसा था, मुझे खुद पर, कि नहीं ये मारेगी तो इसे मारने दो, लेकिन मैं अपना आत्मविश्वास नहीं खोऊंगी। आप बिलीव नहीं करेंगे, उस बॉल पे मैंने कॉट बिहाइंड लिया था, स्लिप में कैच हुआ था, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल कैच। और वो मुझे एक इंस्पिरेशन देता है। और ज़िंदगी में मैंने कभी हारना नहीं सीखा, मैं कभी गिव अप नहीं करती किसी भी सूरत में, चाहे मेरी परिस्थितियाँ कुछ भी हो। मैं आज एक बहुत बड़ा संघर्ष और बहुत बड़ा स्ट्रगल करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो मैं इसका क्रेडिट इतना दूंगी कि आत्मविश्वास अगर आपके पास है तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती, कोई भी नहीं। शुक्रिया नायाश्री जी, आपसे बहुत सारी बातें हुई। और ट्राई बट डोंट क्राई, ये जो फंडा है यही चीज़ हमने आज नाश नुसरत अली से सीखी कि दुनिया मतलब हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी जीवन में, बहुत सारी दिक्कतों का हम सामना करेंगे, बट उसके बाद एक अच्छी सुबह होने वाली है और इसी के इंतज़ार में हमें अच्छा ट्राई करते रहने चाहिए, ये नाश जैसे हमने सीखा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और आज की हमारी इस खास मुलाकात में फ़िलहाल इतना ही। ऐसी अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN News। नमस्कार।